दोस्तों, अगर आप भी यशस्वी जायसवाल के तूफानी शतक को देखकर खुश है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में यशस्वी जायसवाल ने लगाया तूफानी शतक और शुभमन गिल ने लगा दिया शानदार अर्धशतक, तो क्या बोले पाकिस्तान के तमाम दिग्गज। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन यशस्वी जायसवाल ने तूफानी शतक और शुभमन ने शानदार अर्धशतक लगाया है, जिसको देखकर पाकिस्तान के दिग्गज दंग रह गए। इस बीच इंजमाम उल हक, वसीम अकरम से लेकर शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी ने एक ऐसा बयान दोनों की तारीफ करते हुए दे दिया है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की तूफानी पारी को देख पाकिस्तान ने क्या कहा, ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच राजकोट के मैदान पर तीसरा टेस्ट खेला जा रहा है, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन ऑल आउट होकर बनाए और इसका पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम तीसरे दिन 319 रन पर ऑल आउट हो गई। तो वहीं जब भारतीय टीम ने 126 रन की लीड हासिल की और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए आई तो यशस्वी जायसवाल ने अपना तूफानी शतक लगाया, तो वहीं शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक लगाकर सभी को हैरान किया और दोनों ने शानदार बल्लेबाजी को देखकर पाकिस्तान के तमाम दिग्गजों ने बड़ा बयान जारी कर दिया है, जिसमें इंजमाम उल हक ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल की काफी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली है। जिस प्रकार से उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी शतक लगाया है उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अगर आज वो बेहतरीन बल्लेबाजी नहीं करते तो शायद भारतीय टीम के लिए इस मैच में लगभग जीत के करीब पहुंच पाना काफी ज्यादा मुश्किल था। हालांकि भारतीय टीम अब लगभग मैच को अपने नाम कर चुकी है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने जिस प्रकार से बेहतरीन बल्लेबाजी की है उसी के चलते भारत को मजबूती मिली है और अब भारत इन दोनों की वजह से ही जीत दर्ज कर पाएगा। ऐसे में इंग्लैंड की टीम अब भारत से हार के लिए तैयार रहे। तो वहीं वसीम अकरम ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से आज यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर से बेहतरीन बल्लेबाजी की है। इंग्लैंड की टीम के खेलने के अंदाज को अगर कोई खिलाड़ी काफी बुरी तरीके से परेशान कर पाया है तो वो सिर्फ और सिर्फ यशस्वी जायसवाल हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस मैच के लिए ही नहीं बल्कि हर मैच के लिए इस तरीके का अप्रोच निभाया है और इंग्लैंड की टीम को बताया है कि उनसे ज्यादा तेज बल्लेबाजी करना भारतीय बल्लेबाजों को आता है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि अगर आज भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल की बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को नहीं मिलती तो शायद भारतीय टीम दिक्कत का सामना करती, लेकिन यशस्वी जायसवाल को तूफानी शतक और शुभमन गिल के अर्धशतक के दम पर भारतीय टीम जीत के करीब पहुंच चुकी है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। आज जिस प्रकार से यशस्वी जायसवाल ने सभी को प्रभावित किया है वो दर्शाता है कि भारतीय टीम के पास इनसे बेहतरीन बल्लेबाज फिलहाल की स्थिति में मौजूद नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया और शतक को पूरा करने के साथ जायसवाल ने बता दिया है कि उनके पास बेहतर बल्लेबाजी करने की काबिलियत पहले से ही मौजूद है और भारत की धरती पर आकर उनसे बेहतर बल्लेबाजी कर पाना किसी भी युवा बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में अब खिलाड़ियों से बचकर रहने के लिए इंग्लैंड की टीम को काफी आवश्यकता है। तो वहीं शाहिद अफरीदी ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। जिस प्रकार से जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना तूफानी शतक लगाया और टुकड़ों में मैच को खेला है उसकी तारीफ होनी चाहिए। पहले उन्होंने टीम की स्थिति को समझकर धीमी बल्लेबाजी की और अर्धशतक लगाने के बाद तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया है, वो वास्तव में काबिले तारीफ है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के लिए यशस्वी जायसवाल के अलावा शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी की है। उन्होंने जायसवाल का साथ देते हुए टीम को आगे ले जाने का कार्य किया और जब बेहतरीन स्थिति में भारतीय टीम पहुंच गई तो उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की जो खिलाड़ी की असल पहचान है। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन आया भारतीय गेंदबाजों के बाद भारतीय बल्लेबाजों का तूफान। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने अपनी तूफानी गेंदबाजी से मैदान पर तहलका मचाया। वहीं गेंदबाजों के बाद भारतीय बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से रनों की ऐसी बारिश की जिसके सामने इंग्लैंड की टीम खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गई। आखिरकार कैसे भारतीय गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी के बाद भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने मैदान पर कहर बरपा दिया, यह तो आपको बताएंगे ही, साथ में साथ इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा में कौन है भारत का सबसे खतरनाक बल्लेबाज, अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम राजकोट के मैदान पर तीसरा टेस्ट मैच खेल रही है, जहां इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीता पहले बल्लेबाजी करने आई, जहां पर रोहित शर्मा के 131 और रवीन जडेजा के 112 रन के धन पर भारतीय टीम ने दूसरे दिन दूसरे सत्र के दौरान 130.5 ओवर में 445 रन ऑल आउट होकर बनाए। वहीं मार्क वुड ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। रेहान अहमद को 2 विकेट मिले, जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने इंग्लैंड की टीम आई, जिन्होंने दूसरे दिन के समापन तक 35 ओवर में 207 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए।
जहां भारतीय टीम की तरफ से अश्विन ने पाटीदार के हाथों जय करौली को 15 रन पर कैच आउट कराया। वहीं ओली पॉप को 39 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने LBW आउट किया। इसके अलावा जो रूट ने 13 गेंद पर 9 रन की नाबाद पारी खेली। वहीं बेन डकैत ने 118 गेंद पर 133 रन का नाबाद योगदान दिया और भारतीय टीम ने 238 रन से पीछे इंग्लैंड की टीम चल रही थी। ऐसे में जब तीसरे दिन का खेल प्रारंभ हुआ तो रविचंद्रन अश्विन मैच से बाहर हो गए क्योंकि उनकी मां बीमार थी, जिसके चलते उन्होंने मैच को छोड़ा। ऐसे में अब गेंदबाजी करने जसप्रीत बुमराह यानी कि पारी के 36वें दिन के पहले ओवर में आए, जहां पर दोनों ने मिलकर 2 रन बटोरे। लेकिन इस बीच दिन के अंदर मात्र 17 रन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर जोड़ लिए और 224 रन के स्कोर पर भारतीय टीम ने दिन का पहला और पारी का तीसरा झटका इंग्लैंड को दिया। इस बीच जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए जो रूट को स्लिप में मौजूद यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कराया। इस बीच जो रूट 40 ओवर में 31 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 18 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने जॉनी बेरस्टो आए, जिन्होंने आज कुछ खास कमाल नहीं किया और 41 ओवर के अंदर कुलदीप यादव के सामने 4 गेंद पर बिना खाता खोले LBW आउट हुए। और अब बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर आए, जिन्होंने बेन डकैत के साथ मिलकर टीम को संभाल लिया, जहां पर 45 ओवर में बेन डकैत अपना 150 रन का आंकड़ा 139 गेंद पर पूरा किया। लेकिन इस बीच 51 ओवर में कुलदीप यादव ने इंग्लैंड को 5वां झटका बेन डकैत के रूप में दिया, जहां पर उन्होंने बेन डकैत को खराब शॉट खेलने के बाद शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कराया। इस बीच बेन डकैत ने 153 गेंद पर 23 चौके 2 छक्कों की मदद से 155 रन बनाए। वहीं 260 रन पर 5 विकेट गिर जाने के बाद बल्लेबाजी करने फॉक्स मैदान पर आए, जिन्होंने कप्तान स्टोक्स के साथ मिलकर टीम को संभाल लिया। इस दौरान दोनों ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, जहां पहले सत्र के समापन तक 290 रन 5 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड ने बनाए। और लंच के बाद जब दूसरे सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो मैडन ओवर के साथ शुरुआत हुई। इस बीच रविंद्र जडेजा ने 65 ओवर में इंग्लैंड की टीम को छठवां झटका दे दिया। इस बीच उन्होंने कप्तान बेन स्टोक्स को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट कराया। इस दौरान बेन स्टोक्स 89 गेंद पर 6 चौकों की मदद से 41 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। वहीं बल्लेबाजी करने रेहान अहमद मैदान पर आए, दूसरी तरफ से फॉक्स भी अपना विकेट अगली ही गेंद पर दे बैठे। इस दौरान 66 ओवर में गेंदबाजी करने आए मोहम्मद सिराज ने बेन फॉक्स को 37 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 13 रन बनाकर बड़ा शॉट मारने के प्रयास में रोहित शर्मा के हाथों में अपना कैच दे दिया। और अब बल्लेबाजी करने टॉम हार्टली मैदान पर आए, दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे रेहान अहमद ने 13 गेंद पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाने के बाद 70 ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन को आउट गए। इसके बाद अब बल्लेबाजी करने माकवुड मैदान पर आए, जिन्होंने टीम को संभालने का पूरा प्रयास किया। दूसरी तरफ से टॉम हार्टली 17 गेंद पर 2 चौकों की मदद से 71 ओवर में रविंद्र जडेजा के सामने विकेट कीपर के द्वारा स्टंप आउट होकर पवेलियन को लौट गए। जिसके बाद अब बल्लेबाजी करने जेम्स एंडरसन मैदान पर आए, जो 3 गेंद पर बिना खाता खोले 72 ओवर में सिराज के सामने क्लीन बोल्ड हो गए। वहीं माकवुड 3 गेंद पर 1 चौकों की मदद से 4 रन नाबाद रहे। इसी के साथ इंग्लैंड की टीम ने 71.1 ओवर में 319 रन ऑल आउट होकर बनाए और भारतीय टीम ने 126 रन की लीड हासिल की, जहां मोहम्मद सिराज ने सर्वाधिक 4 विकेट लिए। वहीं रविंद्र जडेजा कुलदीप यादव को 2-2 विकेट मिले। इसके अलावा रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिला। वहीं दूसरी पारी में भारतीय टीम जब बल्लेबाजी करने आई तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर आए, जिन्होंने 1 रन के साथ अपना खोता खोला। और दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने लगातार 2 चौके लगाकर ओवर में 9 रन बटोरे और दूसरी तरफ से जो रूट ने मैडन ओवर डाला। वहीं 7 ओवर में गेंदबाजी करने आए टॉम हार्टली ने ओपनर में मात्र 1 रन दिया, तो वहीं दोनों ने मिलकर ओपनिंग साझेदारी कर 30 रन बटोरे। लेकिन इस बीच 12 ओवर में जो रूट ने कप्तान रोहित शर्मा को 28 गेंद पर 3 चौकों की मदद से 13 रन बनाकर LBW आउट किया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने शुभमन गिल मैदान पर आए, जिन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी की। इस दौरान दूसरे सत्र के समापन तक 44 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारत ने बनाए। और जब अंतिम सत्र का खेल प्रारंभ हुआ तो दोनों ने और भी ज्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करनी प्रारंभ कर दी और इसी के साथ 20 ओवर के समाप्ति तक 56 रन 1 विकेट के नुकसान पर भारत ने बना दिए।